सुने, आपने मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए थे? क्या बात है जान, मूड ऑफ लग रहा है आपका। क्या जरूरत थी सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल तस्वीर डालने? लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ऐसा भी क्या था इन पिक्चर्स में? पर्सनल पिक्चर्स थी, मेरा नहीं ख्याल कि उनको सोशल मीडिया की जीनत बनना चाहिए था। आई नो आप अपने घर में ऐसे कपड़े पहना करती थी, लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा मुख्तलिफ है। ऐसा भी क्या हो गया, मैं शादी से पहले भी ऐसी मॉडर्न ड्रेसिंग ही करती थी। वहां की बात और थी, लेकिन जो कपड़े आपने पहने हैं उन्हें मॉडर्न नहीं कहते, बेहुदा वल्गर कहते। आपके यहाँ इस पे इतराज नहीं होगा, लेकिन इस खानदान में औरतों को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। शायद मैं आपको पहले रोक देता तो बेहतर था, लेकिन अब आप चूंकि इस खानदान का हिस्सा बन चुके हैं। बस कर दें। क्या खानदान, 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 ये सुन सुनकर मेरा दिमाग पक गया है। क्या है आपका खानदान? हाँ, मुझे नहीं समझ में आती। देखें, मैं एक ओपन माइंडेड लिबरल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। शादी से पहले भी मेरा यही लाइफस्टाइल था, मेरे बारे में सब कुछ पता था आपको। पार्टीज में जाती थी, लोगों से मिलती थी, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे। लेकिन आपकी मोहब्बत में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और आप ये छोटी सी चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते? अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा आपको। क्यों बदलना होगा मुझे मेरा लाइफस्टाइल? क्योंकि आप इस घर की बहू हैं। आपकी नजर में सच तो ये है, ना मेरी कोई हैसियत है ना मेरे घर वालों की। आपकी नजर में अगर किसी की हैसियत है तो वो सिर्फ आप हैं और आपका खानदान, और कोई नहीं। सिर्फ आप ही नहीं है जो इज्जतदार खानदान से बिलोंग करते हैं। मैं भी एक इज्जतदार खानदान का हिस्सा हूँ, शायद आप ये बात भूल रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी फैमिली आपकी तरह तंग दिमाग की नहीं। आप आहिस्ता बोलेंगे प्लीज? आपकी सारी बकवास अम्मी बाबा ने सुन ली ना, हर्ट होंगे, तकलीफ होगी उन्हें। क्या कहा आपने? बकवास? मतलब शादी के एक महीने में ही आपको मेरी बातें बकवास लग रही हैं? लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, आप जैसे लोगों से लव मैरिज करनी ही नहीं चाहिए, जिन्हें बीवी की हर चीज से प्रॉब्लम है, हर बात से प्रॉब्लम है। शेम ऑन यू।